हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मुझे नहीं पता भाई कैसे हो, दुखी हो, सुखी हो या फिर हैप्पी हो, लेकिन कोशिश करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो में मैं आपको हैप्पी करके छोड़ूं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मीशो के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक डायलॉग सुनाना चाहता हूं। इस डायलॉग को सुनना है आपको इतने ध्यान से कि आप इस बार जब एक बार आप सुन लो तो इस डायलॉग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने क्या बोला। तो चलो शुरू करते हैं। कच्चे पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। मैंने क्या कहा, अगर समझ में आया हो तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। चलो अब मैं बता देता हूँ, आपको वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ और आपको बता देता हूँ मीशो कस्टमर केयर का नंबर क्या है, मीशो में कॉल कैसे करते हैं और मीशो हेल्पलाइन नंबर क्या है। ऐसे सारे सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे जिसका जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। कि आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आती है अगर मीशो एप्लीकेशन में अगर आप यूज़ करते हो, ऑर्डर करते हो, फिर आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद अभी कभी भी लाइफ में, ज़िंदगी में कभी भी कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। सो सबसे पहले अपन चलेंगे मीशो में, क्योंकि मीशो में ही प्रॉब्लम है ना, तो सबसे पहले मीशो में ही जाएंगे। मीशो में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल कुछ प्यारा सा इस तरीके से ओपन होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपने जो ऑर्डर किया है जिसके रिकॉर्डिंग आप बात करना चाहते हो मीशो में कस्टमर केयर से, आपको ऑर्डर्स पर क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद जैसे मैंने ऑर्डर किया था यहाँ पे ईयरफोन, इस वाले ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देख सकते हो हेल्प सेंटर का, तो हेल्प सेंटर पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इतने सारे मतलब यहाँ पे दिए हुए हैं, व्हाट इशू आर यू फेसिंग, मतलब इनमें से आप कौन सा इशू फेस कर रहे हो, कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है। वेयर इज माई ऑर्डर, अगर आप ये जानना चाहते हो तो पहले वाले पे क्लिक करो। उसके बाद अगर आप दूसरा यहाँ पे, कैन यू डिलीवरी माई ऑर्डर फास्टर योर ऑन ए स्पेसिफिक डेट एंड टाइम, अगर आप डेट एंड टाइम जानना चाहते हो कि हमारा प्रोडक्ट कब हमारे घर तक पहुँचेगा, तो सेकेंड वाले पे क्लिक करो। और तीसरे वाले पे है, कैन आई चेंज माई डिलीवरी एड्रेस मोबाइल नंबर, मतलब डिलीवरी एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो उस पर क्लिक करो। अभी बताता हूँ आपको कैसे बात कर सकते हो, लेकिन सारा चीज़ पहले समझा देता हूँ आपको। व्हेन विल माई ऑर्डर गेट कन्फर्मेड, मतलब कन्फर्म हुआ मेरा ऑर्डर या नहीं। कैंसिल माई ऑर्डर, तो मैं मान लो इसमें से जो है पता करना चाहता हूँ वेयर इज माई ऑर्डर, अभी तक मतलब मेरे पास काय को नहीं आया भाई, इतना टाइम काय को लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, हाई राजा, योर ऑर्डर विल बी डिस्पैचड ऑन 1 अप्रैल 2022 एंड डिलीवरी 8 अप्रैल 2022 तक मेरे घर तक पहुँचेगा। यहाँ पे साफ साफ एड्रेस दिया है, लेकिन 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 अगर इस एड्रेस तक नहीं पहुँचता है तो आप कैसे कॉल करके बात करोगे कस्टमर केयर से। चलो फिर बता देता हूँ ये चीज़ जैसे आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप नीचे लास्ट में देखेंगे स्टिल नीड हेल्प आया है, स्टिल नीड हेल्प मतलब इससे थोड़ा हटके अगर आपको मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है कॉल मी बैक, इसका मतलब होता है आप कॉल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखिए टाइमिंग दिया हुआ है कब आप कॉल कर सकते हो। यू कैन प्लेस द रिक्वेस्ट इन वर्किंग हावर्स फ्रॉम 10 AM to 7 PM। मैं रात में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ जिसकी वजह से अभी मैं कॉल नहीं कर सकता, लेकिन आप जो है यहाँ पे 10 AM से लेकर के 7 PM तक, मतलब दिन में आप जो है 10 बजे के बाद से इनको कॉल कर सकते हो। और जितनी भी हेल्प चाहिए आपको, हेल्प मदद जो भी चाहिए, जितनी भी चाहिए आप इनसे ले सकते हो। आपको कैसे कॉल करने में आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पे कॉल मी बैक पर आपको क्लिक करना है, एक जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपको एक मैसेज आएगा, उस पर ओके कर क्लिक कर देना है। उसके कुछ देर बाद दोस्तों आपको ऑटोमेटिक उसके कंपनी से कॉल आएगा, आपको फिर कॉल उठा लेना है। जो भी आपका प्रॉब्लम, जो भी दिक्कत होती है, आप उनसे राय मशवरा कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, उसके बाद आपस में निपटा लेना। मैंने यहाँ तक आपको पहुँचा दिया, जहाँ तक मतलब लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ तक मैंने पहुँचा दिया। आगे की काम भाई आपको ही करनी है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं भाई, कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो एंड हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन
जरूर दबा दियो, तभी हम आपसे मिल पाएंगे अगली वीडियो में। ओके, तब तक के लिए जहाँ भी रहो, खुश रहो, सही रहो, एकदम हैप्पी रहा करो यार, ऐसे दुखी दुखी अच्छे नहीं लगते। ओके, थैंक यू।